राटी थीस के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। राटी अकाउंट में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कंटेंट को क्या किया, कवर कर चुका है। उसी कंटेंट के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, राटी थीस में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, स्ट्राइक। क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्राइक। क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्राइक। स्ट्राइक में कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना स्ट्राइक पे, उसका एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया है और उसका जनरल टेल सॉल्व किया है। और उसी के आधार पे हम लोगों ने क्या आज की वीडियो में जानना है, उसी के आधार पे कि हमको खाता कैसे खोलना है, कि उसमें खाता कैसे खुलता है और उसके नियम क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में इसी को कवर करेंगे कि रॉयल्टी अकाउंट का खाता कैसे खुलेगा, लैंडलॉर्ड का खाता कैसे खुलेगा और शॉर्ट वर्किंग का खाता कैसे खुलेगा नियम के अकॉर्डिंग। और दोस्तों अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए चलते हैं, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने क्या किया था, जनरल एंट्री को अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो उसी जनरल एंट्री के आधार पे क्या करेंगे हम लोग, खाता खोलेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वो जनरल एंट्री क्या क्या थी, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवे साल और छठे साल। तो छह साल को क्या होगा, एंट्री को हम पहले पहले कवर कर लें और उसी एंट्री पे क्या करेंगे, खाता रॉयल्टी का खोलेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। तो पहले साल की एंट्री ये थी, तो देखिए पहले साल की एंट्री ये थी, ये तीनों एंट्री थी। जब अधिकार शुल्क किराए से न्यूनतम किराए से कम होती है तब ये तीनों एंट्रियां बनती है। वो सवाल में ये क्लियर है कि क्या इसे थी बनती है, पहले साल की एंट्री बनती हो, क्या तीनों एंट्री बनती थी? जब अधिकार शुल्क किराए से न्यूनतम किराए से कम होती है तब तीनों एंट्री, जब अधिकार शुल्क किराए से न्यूनतम किराए के बराबर होती है तब तीन एंट्री, और जब अधिकार शुल्क किराए से न्यूनतम किराए से अधिक होती है तब तीन एंट्री वो बनती है। वो पिछले वीडियो में मैं पूरा बेहतर बता चुका हूँ, उसको क्या करते दीजिएगा समझ में आ जाएगा। केवल हमको इस एंट्री से आज हमको क्या करना है, रॉयल्टी का खाता खोलना है, शॉर्ट वर्किंग का खाता खोलना है और लैंडलॉर्ड का खाता खोलना है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आइए सबसे पहले हम पहले साल की एंट्री को कवर करते हैं। पहले साल की एंट्री क्या था, पहले साल की एंट्री क्या है, रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड। क्या है, रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, ये हमारी एंट्री थी। रॉयल्टी में कितना एंट्री है, 2000 का है, शॉर्ट वर्किंग में कितना है, 15000 का है और लैंडलॉर्ड में कितना है, 17000। ये हमारा पहला एंट्री हो गया। ठीक, दूसरा एंट्री क्या है, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक कितने से है, 17000 से, कितने से है, 17000 से। तीसरा एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू राइट, ये हमारी एंट्री है कितने से, 2000 से, कितने से, 2000 से। ये हमारा एंट्री तीनों बना। अब इसी को हम क्या करेंगे, खाता कैसे खुलेगा हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा याद करने वाली बात है। पहला एंट्री क्या है, रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी, ये तीनों हमारी एंट्री है। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, वहीं पे इसका काम आएगा। आगे चलते हैं, चलिए ये आपका खाता का क्या है, फॉर्मेट है। क्या है, ये खाता का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में क्या होता है, खाता के कितने भाग होते हैं, फॉर्मेट में कितने पार्ट होते हैं, इसके 8 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट डेबिट साइड का, 4 पार्ट क्रेडिट साइड का, 4 पार्ट डेबिट साइड का, 4 पार्ट क्रेडिट साइड का। यहाँ पे हम किसका खाता खोलते हैं, सबसे पहले किसका खाता खोलते हैं, चलिए रॉयल्टी अकाउंट। आप लोगों को नियम के अकॉर्डिंग में बताया था, जिसका खाता खोलते हैं हम लोग उसको, जिसको खोलते हैं उसको क्या करते हैं, खाते के मध्य भाग में यानी बीच में क्या करते हैं हम लोग, बीच में लिख देते हैं। बीच में आप लोगों ने क्या किया, रॉयल्टी लिख दिया। अब चलिए चलते हैं तीनों एंट्री में, जो पहले साल की पहली तीनों एंट्री हुई थी क्या क्या हुई थी, रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, ये हमारी एंट्री थी। क्या हुई थी, थोड़ा सा लिख देते हैं आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या होगा। पहले साल की एंट्री क्या बनी थी, थोड़ा सा यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट डी आर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड, ये हमारी पहली एंट्री बनी थी। अमाउंट 2000 था, 15000 था, 17000, ये अमाउंट था। तीसरे साल क्या था, दूसरी एंट्री क्या थी, आपसी थोड़ा सा ध्यान देते हैं, दूसरी एंट्री क्या थी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डी आर अकाउंट डी आर टू बैंक, क्या था, टू बैंक। तीसरा एंट्री क्या था, पीएफ अकाउंट डी आर टू, क्या था, रॉयल्टी, ये हमारी एंट्री थी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसी एंट्री के आधार पर हम लोग पहले साल का खाता खोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है, चलिए फिर किसका खोलते हैं, सबसे पहले किसका खाता खोला जा रहा है, रॉयल्टी का। यहाँ तक क्लियर है, तो खाता का नियम क्या होता है, तीन मुख्यतः नियम होते हैं, कौन कौन। पहला नियम है,
इसमें टू व बाई का प्रयोग करते हैं। अगर डेबिट में लिखना है तो टू का प्रयोग करेंगे, क्रेडिट में लिखना है तो बाई का प्रयोग करेंगे, पहला नहीं। दूसरा, जिसका खाता खोलते हैं यानी जिस व्यक्ति का, या रॉयल्टी का खोले या सबवर्किंग का खोले या लैंडलॉर्ड का खोले या राम का खोले या जिसका भी खाता खोलेंगे, उसको उसके जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम ना लिख के उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते हैं नियम के बारे में, ठीक। अगर वो डेबिट में है तो डेबिट में, अगर वो क्रेडिट में है तो क्रेडिट में, लेकिन जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम ना लिख के उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते हैं। दूसरा नियम, अगर डेबिट में अगर अमाउंट डेबिट वाला है तो वहां पे हम लोग डेबिट वाला अमाउंट उठाएंगे, ये क्लियर है। अगर वो क्रेडिट में है तो उसको क्रेडिट वाला अमाउंट उठाएंगे। ये तीनों मुख्यतः नियम होता है, इसी नियम को खाता खोलना। चलिए तो रायती का हम लोग खाता खोलते हैं। पहले साल का 2002 का एंट्री था, तो पहले साल का यहाँ पे देखिए डेट में 2002 डाल दिया गया है, 2002 का एंट्री है पहले साल रायती। चलिए रायती का खाता खोलते हैं, तो रायती कहाँ है यहाँ पे देखिए डेबिट में है, क्या है डेबिट में है। तो जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम ना लिखे उसके विपरीत पक्ष, विपरीत पक्ष क्या है लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए लैंडलॉर्ड आ गया, पहले साल की पहली एंट्री में रॉयल्टी डेबिट में है, इसका विपरीत पक्ष क्या है टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे टू का प्रयोग होता है तो टू का प्रयोग हो गया। हो गया पहला, अमाउंट कितना था 2000, अमाउंट कितना था 2000 हम लिखेंगे, यहाँ तक क्लियर है। दूसरे एंट्री में क्या है लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक, यहाँ पे देखिए रॉयल्टी नहीं है, यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं है रॉयल्टी का, तो यहाँ पे उसको नहीं छोड़ेंगे। तीसरा एंट्री में चलते हैं, तो पीएल अकाउंट या टू रॉयल्टी, क्या है पीएल अकाउंट या टू रॉयल्टी, रॉयल्टी कहाँ है क्रेडिट में, कहाँ है क्रेडिट में है, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट में जाएंगे, खाते के कहाँ जाएंगे क्रेडिट में जाएंगे। तो क्रेडिट जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम ना लिखे उसके विपरीत पक्ष, विपरीत पक्ष क्या है पीएल, क्या है विपरीत पक्ष पीएल। तो क्या करेंगे यही विपरीत पक्ष यहाँ पे लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना था वहां पे 2000, थोड़ा सा जाके पिछले वीडियो में देख हम लोग को देखना पड़ेगा वहां पे अमाउंट कितना था, 2000 अमाउंट था क्लियर, यहाँ पे 2000 हमारा अमाउंट हो गया, यानी पहले साल की हमारी एंट्री हो गई। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पहले साल की हमारी तीनों एंट्री में हमारा हो गया, इस साल आप देखते हैं खाता में कहीं बैलेंस तो नहीं बच रहा है, तो देखिए यहाँ पे 2000 ये भी है और 2000 ये भी है, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बच रहा है। अगर यही बैलेंस बचता, अगर इधर बचता तो बाई बैलेंस ही करते, अगर इधर बचता डेबिट साइड में तो टू बैलेंस ही करते, लेकिन यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं हो रहा, दोनों क्या है 2000 भी है 2000 भी है, तो क्या करेंगे 2000 इक्वल है तो यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं, यानी शेष कोई नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे खाता कर करते हम लोग क्लोज कर देते हैं। कितने से 2000 से, यानी 2000 से क्या किया हम खाता क्लोज कर दिए, यानी पहले साल की हमारी जो एंट्री तीनों थी हमारी हो गई। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक पहले साल की एंट्री, ठीक। आगे चलते हैं दूसरे साल, यानी 2002 का मैटर था ये हो गया, 2003 में चलते हैं देखते हैं कि एंट्री क्या क्या थी। चलिए देखते हैं एंट्री क्या 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 थी 2003, देखिए 2003 में सेम एंट्री है एकदम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए रॉयल्टी अकाउंट गया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट गया टू लैंडलॉर्ड, कितना अमाउंट है 14000, और देखिए शॉर्ट वर्किंग में कितना है 3000 और लैंडलॉर्ड में कितना है 17000, कोई परिवर्तन नहीं है, जो यानी स्थिति क्या बनी है विकास विकास न्यूनतम विकास से कम है, तो ये तीनों एंट्री बनी है। फिर देखिए लैंडलॉर्ड अकाउंट गया टू बैंक, अमाउंट कितना था 17000, यहाँ पे देखिए 17000 डेबिट क्रेडिट हो गया। तीसरा एंट्री क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गया टू रॉयल्टी, यही एंट्री थी, कितना है 14000 यहाँ पे रॉयल्टी है 14000 यहाँ पे, यानी दूसरे साल भी हमारा कोई एंट्री में परिवर्तन नहीं है और उसी तरह खाता इसका भी खुल जाएगा। चलिए खोलते हैं खाता कैसे खुलता है। चलिए यही तीनों एंट्री वहां थी, क्या थी यही तीनों एंट्री वहां थी, फिर से वही दूसरे साल जाते हैं डेट 2003 में, 2003 में तो क्या करेंगे रॉयल्टी का खाता खोलना है, तो रॉयल्टी कहाँ है डेबिट में, तो डेबिट में एंट्री करेंगे, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम ना लिखे उसके विपरीत पक्ष, विपरीत पक्ष क्या है टू लैंडलॉर्ड, तो टू लैंडलॉर्ड यहाँ पे हो गया। अमाउंट कितना था वहाँ पे 14000, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 14000 हो गया, यहाँ तो क्लियर। देखिए दूसरे एंट्री में क्या लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक, यहाँ पे लैंडलॉर्ड में यहाँ पे रॉयल्टी है ही नहीं तो छोड़ देंगे। तीसरे एंट्री में चेक करेंगे रॉयल्टी का पीएल अकाउंट या टू रॉयल्टी, रॉयल्टी क्रेडिट में है तो हम क्रेडिट में आएंगे, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम ना लिखे उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते, विपरीत पक्ष क्या है उसका बाई पीएल, तो यहाँ पे बाई पीएल हो गया। कितना अमाउंट था 14000, तो 14000 अमाउंट मेरा यहाँ पे हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में, यानी दूसरे साल की हमारी एंट्री। फिर हम खाते में चेक करेंगे कहीं हमारा बैलेंस तो नहीं बच रहा है, तो बैलेंस कहीं नहीं बच रहा है, 14000 ए भी है 14000 ए भी है, तो क्या करेंगे खाता क्लोज कर देंगे। खाता क्लोज जब करेंगे हम तो यहाँ पे क्या करेंगे 14000 से खाता क्लोज कर देंगे, ठीक है यहाँ तक क्लियर, ठीक। चलिए अब यहाँ दूसरे साल की हमारी एंट्री हो गई,
तीसरे साल चलते हैं हाँ, और उसके बाद एंट्री करते हैं। चलिए देखते हैं एंट्री क्या थी, तीसरे साल का क्या एंट्री है। चलिए आगे चलते हैं, तो तीसरे साल की एंट्री पे चलते हैं 2004 में। 2004 देखिए, तो 2004 डेट कब है, 2004 में एंट्री क्या है, परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ है देखिए, यानी क्या स्थिति बनी है, अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि से अधिक है, तब ये परिवर्तन हुआ है, सवाल में था इसलिए परिवर्तन हुआ है। देखिए रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, परिवर्तन वहां पे क्या था, शॉर्ट वर्किंग था, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग नहीं है। यहाँ पे क्या रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, कितना से 19,000, कितना से 19,000 से डेबिट क्रेडिट है। दूसरा एंट्री क्या है, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, कितना है 19,000 डेबिट में है, 17,000 क्या है बैंक में है, 2,000 क्या है शॉर्ट वर्किंग में है। तीसरा एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, कितना से 19,000 से, यानी इस साल क्या हुआ है, एंट्री में परिवर्तन हुआ है। आगे चलते हैं, अब किसका खाता खोलते हैं, किसका रॉयल्टी में खोली रहे हम, तो इस तीसरे साल की हम एंट्री में खाता कैसे खोलता, चलिए देखते हैं। चलिए अब इसको हम एंट्री को इरेज कर देते हैं, फिर वो तीनों एंट्री लिख देते हैं जिसको अब जिससे आपको आसानी से समझ में आए। चलिए पहला एंट्री क्या था आपका, वहां पे क्या था, रॉयल्टी अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड, ये एंट्री थी पहली एंट्री, पहली एंट्री यही थी आपकी। दूसरी एंट्री क्या थी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डी आर टू बैंक, क्या था टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, क्या था टू शॉर्ट वर्किंग, ये हमारी एंट्री थी। दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री क्या थी, पीएल अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी, क्या थी टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, यही तीनों एंट्री हमारी वहां थी, कोई दिक्कत नहीं, यही तीनों एंट्री थी, तीनों में परिवर्तन हुआ। चलिए इसको आप खाता खोलते हैं रॉयल्टी का, रॉयल्टी का खाता खोल ही रहे हम लोग, 2004 में देखते हैं रॉयल्टी कहाँ है, डेबिट में है, तो डेबिट में हम लोग एंट्री करेंगे। डेबिट में क्या है, इसका जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम नोट, उसके विपरीत पक्ष, विपरीत पक्ष क्या है टू लैंडलॉर्ड, देखिए तो टू लैंडलॉर्ड यहाँ पे हो गया। अमाउंट कितना था वहाँ पे 19,000, चेक कर लीजिएगा क्या था 19,000, तो 19,000 यहाँ पे हो गया डेबिट, क्लियर है। उसके बाद फिर देखिए दूसरे एंट्री में क्या था, ये आपका दूसरा एंट्री है, ये पहला एंट्री है, ये आपका तीसरा एंट्री है। तो देखिए यहाँ पे दूसरे एंट्री में क्या, लैंडलॉर्ड अकाउंट में बैंक को शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पे रॉयल्टी नहीं है। तीसरे साल चलते हैं, तीसरे एंट्री में चलते हैं, तो पीएल अकाउंट या टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पे देखिए रॉयल्टी आ गई, तो रॉयल्टी कहाँ है, क्रेडिट में है, तो हम लोग क्रेडिट में एंट्री करेंगे। और जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम नोट, उसके विपरीत, विपरीत पक्ष क्या है पीएल, तो यहाँ पे क्या होगा बाई पीएल, कितना अकाउंट था वहाँ पे 19,000, 19,000 हमारा हो गया। अब फिर चेक करेंगे यहाँ पे कोई और रॉयल्टी तो नहीं है, पहले ही रॉयल्टी है, एंट्री नहीं होगी। फिर यहाँ पे चेक करेंगे खाते में कि कहीं शेष तो नहीं बच रहा है, बराबर तो है, तो हम यहाँ पे देखिए 19,000 ये भी है, 19,000 ये भी है, दोनों इक्वल है, कहीं शेष नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे खाते को क्लोज कर देंगे, कितने से 19,000 से, यहाँ तक क्लियर हुआ, यानी तीसरे साल की भी हमारी एंट्री हो गई, कोई दिक्कत रॉयल्टी की। चलिए आगे चलते हैं, अब चौथे साल 2004 में चलते हैं, सॉरी 2004 का होता है 2005 में चलते हैं, 2005 में देखते हैं एंट्री क्या है। चलिए 2005 में भी सेम एंट्री लग रही है, सेम एंट्री क्या है, देखिए रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड कितना है 23,000, इसमें भी डेबिट क्रेडिट 23,000 हो गया, फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, सेम एंट्री है 23,000 से, बैंक में कितना 17,000 और शॉर्ट वर्किंग में 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग 30,000 से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, और 23,000 क्या नाम रॉयल्टी है, और 7,000 क्या है आपका शॉर्ट वर्किंग। ये हमारी सेम एंट्री थी 2004 वाली भी, 2005 वाली भी, दोनों क्या है इक्वल है। तो चलिए आइए इसका खाता खोलते हैं 2005 का। चलिए देखिए यही सेम एंट्री थी वहां पे, ठीक, इसको खाता खोलते हैं 2005 में। तो पहला 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 एंट्री देखते हैं, रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी कहाँ है डेबिट में है, डेबिट में है, तो इसका जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम नोट के उसके विपरीत पक्ष में लिखते हैं, और डेबिट में है तो डेबिट में, देखिए विपरीत पक्ष क्या है टू लैंडलॉर्ड, तो टू लैंडलॉर्ड यहाँ पे हो गया, कितना अमाउंट है वहाँ पे 23,000 यहाँ पे लिखते हैं। आगे चलते हैं, देखिए
जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम और लिखिए उसके विपरीत पक्ष। विपरीत पक्ष क्या है? बाई पीएल। तो बाई पीएल यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में। अमाउंट कितना था वहाँ पे? 23,000। अमाउंट कितना था? 23,000। 23,000 रख देंगे। फिर चेक करेंगे खाते में कहीं शेष तो नहीं बच रहा है, शेष कहीं नहीं बच रहा है। 23,000 ये भी है, 23,000 ये भी है, बराबर है। 23,000 से क्या करेंगे? खाता क्लोज कर देंगे, कोई दिक्कत। सेम एंट्री सेम खाता, यानी अब हमारा क्या होगा? 2003, 2002, 2003, 2004, 2005, यानी चारों साल का खाता खुल गया। 2006 में चलते हैं, देखते हैं क्या स्थिति एंट्री की है, उसके बाद खाता खोलते हैं। चलिए 2006 में चलते हैं। देखिए 2006 में भी सेम प्रोसेस है, कोई एंट्री में परिवर्तन नहीं है। देखिए रॉयल्टी अकाउंट या 2,00,000 कितना से 15,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट। दूसरा एंट्री क्या है? लाल अकाउंट या 2 बैंक शॉर्ट वर्किंग कितना है? 15,000 ये 12,750 है, 2,250 15,000 हो गया। तीसरा एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या 2 रॉयल्टी 2 शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पे देखिए 15,000 डेबिट हो गया, यहाँ 15,000, यहाँ 750, यानी सेम एंट्री है। इसी सेम एंट्री को वहाँ पे क्या करेंगे? खाता खोल देंगे 2006 का। चलिए 2006 का खाता खोलते हैं हम। 2006 में यही सेम एंट्री है, क्या है? यही सेम एंट्री। तो फिर खाता खोलते, रॉयल्टी का खाता खुल ही रहा है, तो रॉयल्टी का खाता खुल रहा है, तो रॉयल्टी डेबिट में है। देखिए यहाँ पे रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी का अकाउंट या 2,00,000 रॉयल्टी कहाँ है? डेबिट में है, तो हम डेबिट में एंट्री करेंगे। जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम लिखिए उसके विपरीत पक्ष। विपरीत पक्ष क्या है? 2,00,000। यहाँ पे देखिए 2,00,000 लिख दिया गया। अमाउंट कितना था वहाँ पे? 15,000। यहाँ पे 15,000 अमाउंट हो गया, यहाँ तक क्लियर। फिर दूसरे एंट्री में चेक करेंगे, दूसरे एंट्री में कोई लैंडलॉर्ड अकाउंट या 2 बैंक रॉयल्टी नहीं है, यहाँ छोड़ देंगे। तीसरे एंट्री में चलते हैं, पीएल अकाउंट या 2 रॉयल्टी 2 शॉर्ट वर्किंग। देखिए रॉयल्टी यहाँ पे आ गई, रॉयल्टी कहाँ है? क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे। और जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम ना लिखे उसके विपरीत पक्ष। विपरीत पक्ष क्या है? बाई पीएल। तो बाई पीएल यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, ठीक। अमाउंट कितना था वहाँ पे? 15,000। 15,000 अमाउंट से हम लोग एंट्री कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे खाता खोलता। फिर चेक करेंगे कि खाता कोई शेष तो नहीं है, तो यहाँ पे कोई शेष नहीं है। 15,000 भी है, 15,000 भी है, तो क्या करेंगे? इसी 15,000 से खाता क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे? खाता क्लोज कर देंगे वर्ष के अंत में। दूसरा, अब 2007 में चलते हैं, 2007 में चलते हैं, हमें देखते हैं कि 2007 की स्थिति क्या है। तो 2007 की देखते हैं एंट्री। 2007 का भी एंट्री ठीक 2006 जैसा, 2006 जैसा है। तो 2007 में क्या? रॉयल्टी अकाउंट या 2 लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कितना है? 25,000। ये देखिए 25,000 डेबिट क्रेडिट हो गया। लैंडलॉर्ड अकाउंट या 2 बैंक 2 शॉर्ट वर्किंग। लैंडलॉर्ड कितना? 25,000। बैंक कितना? 17,000। और यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग कितना है? 8,000। क्लियर है। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या 2 रॉयल्टी 2 शॉर्ट वर्किंग। यहाँ पे देखिए रॉयल्टी प्रॉफिट एंड लॉस 25,000 और शॉर्ट वर्किंग में रॉयल्टी में कितना? 25,000। यानी सेम एंट्री है, 2006 वाला क्वालिटी वही 2007 में भी है। चलिए आइए खाता खोलते हैं 2007 का, ठीक है। देखिए यही एंट्री वहां भी थी, इसी एंट्री को खोलते हैं 2007 में। तो रॉयल्टी का खाता खुल रहा है, तो रॉयल्टी कहाँ है? डेबिट में है, तो डेबिट में एंट्री करेंगे। जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम लिख के उसके विपरीत पक्ष। विपरीत पक्ष क्या है? लैंडलॉर्ड। तो 2 लैंडलॉर्ड अमाउंट कितना था? 25,000। 25,000 पे क्या करेंगे? एंट्री कर देंगे। दूसरा, दूसरे एंट्री में चेक करेंगे रॉयल्टी कहाँ है, तो रॉयल्टी कहीं नहीं है। दूसरे एंट्री में चेक करते हैं तो लैंडलॉर्ड अकाउंट या 2 बैंक 2 शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पे रॉयल्टी नहीं है, छोड़ देंगे। तीसरे एंट्री में चलते हैं तो पीएल अकाउंट या 2 रॉयल्टी 2 शॉर्ट वर्किंग। देखिए यहाँ पे क्या है? रॉयल्टी क्रेडिट में है, तो हम लोग क्रेडिट में एंट्री करेंगे। और जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम लिखे उसके विपरीत पक्ष। विपरीत पक्ष क्या है? बाई पीएल। बाई पीएल यहाँ पे लिख देंगे। अमाउंट कितना था? 25,000। 25,000 एंट्री लिख देंगे। अब फिर चेक करेंगे कि खाता में कोई बैलेंस तो नहीं है, तो बैलेंस का ही नहीं है, तो यहाँ 25,000 से क्या करेंगे? खाता क्लोज कर देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोस्तों की खाता कैसे खुलता है। ये हम रॉयल्टी अकाउंट का खाता खोले हैं, आप लोग शॉर्ट वर्किंग का और लैंडलॉर्ड का खाता खोलिएगा। जो समस्या आएगी हमको जरूर बताइएगा, इसी नियम के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो खाता खुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्राइक 2। क्या पढ़ेंगे? स्ट्राइक 2। इस स्ट्राइक में हम लोग ये चीज और पढ़ेंगे, लॉकडाउन। क्या पढ़ेंगे? लॉकडाउन। लॉकडाउन क्या है और स्ट्राइक के साथ इसका कैसे मर्ज किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में रिमेंट कर लेके आऊंगा। मैं बताऊंगा कि लॉकडाउन में स्ट्राइक का सवाल कैसे सॉल्व होता है। दोस्तों अभी तक मेरा आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।